देखिए एक वेक्टर का क्वेश्चन है क्या लेट यू वैक्टर इक्वल टू आई प्लस जे वी वैक्टर इक्वल टू आई माइनस जे एंड डब्ल्यू वैक्टर इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के इफ एन कैप इज वेक्टर सच दैट यू वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू कैप इक्वल टू देन w डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू तो u वेक्टर इक्वल टू i प्लस जे वी इक्वल टू i minus j and w vector इक्वल टू i plus 2j plus 3k if n is a unit vector सच दैट u dot n n कैप जो है वो यूनिट vector है मतलब इसका मॉडलोग है तो one मिलेगा अब हमें क्या पता है सुनिए ध्यान से u dot n कैप zero है v dot n कैप भी zero है आपको पता है अगर a dot b zero हो a.c 0 हो इसका मतलब है a वेक्टर परपेंडिकुलर b के है a वेक्टर परपेंडिकुलर c के इसका मतलब a वेक्टर पैरेलल टू b क्रॉस c होता है यानी a वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स ऑफ b क्रॉस c लिख सकते हैं क्यों क्योंकि b क्रॉस c से एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है और ये दोनों इनके परपेंडिकुलर तो वो a के पैरेलल हो गया राइट right? तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो n के वेक्टर है n बैक कैंप पैलर टू u क्रॉस v यानी n वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ u क्रॉस v अब क्योंकि यूनिट बोला है तो लेमडा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो सीधा सीधा आप u क्रॉस v कर दीजिए तो अब u क्रॉस v कैसे करोगे तो u और v दोनों हैं तो u क्रॉस v यूनिट वेक्टर बताना है कई जगह मैं कैप वगैरह नहीं लगाऊं तो आप कंफ्यूज मत हो आई जे के यू है आई वन वन जीरो वन माइनस वन एंड जीरो तो ये हो जाएगा जीरो आई सॉरी हाँ जीरो जीरो आई प्लस जीरो जे माइनस टू के तो एक तरह से एन कैप जो है एन वेक्टर जो है ये तो यू क्रॉस बी मिला तो आप एन वेक्टर को ऐसा बोल सकते हो एन कैप को मतलब अब उसका भी आपसे पूछा डब्लू डॉट एन क्या होगा तो एन वेक्टर तो ये आया माइनस टू के अब यूनिट बोला है तो ऑब्वियसली आप इसका डिवाइड कर दोगे तो केवल माइनस के ही बचेगा अब एन कैप को डब्लू के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो के से के का करोगे तो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा यहां पर अब यूनिट वेक्टर बोला है तो आप इसको पॉजिटिव भी मान सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर जब आप करेंगे क्योंकि इसका लोगे तो वन तो इसका मतलब आप जब और इधर मॉड ही दिया वैसे भी तो डब्लू डॉट एन कैप यानी डब्लू डॉट एन कैप मतलब ये हो गया आई प्लस टू जे प्लस थ्री के माइनस के वैक्टर डॉट तो ये उसका भी मॉड तो ये मिल गया माइनस थ्री मतलब थ्री तो थ्री इज अ राइट आंसर